हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीच में फिर से आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक सिन्नी कंपनी का टेबल फैन दिख रही है। इसका रेगुलेटर के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये इसकी रेगुलेटर है जो स्लो मीडियम फास्ट करने का काम करती है। ये सबसे स्लो और बीच वाले में मीडियम है और ये सबसे फास्ट है। और ये जो ऑफ लिखा है इस पर ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं इस विषय में बात करूंगा कि ये कैसे काम करती है, इसमें कौन से उपकरण लगे होते हैं कि इसको स्लो फास्ट कर देती है, क्योंकि और सब पंखों की अपेक्षा ये बिल्कुल अलग होता है और इसमें कैपेसिटर भी नहीं लगते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि बिना कैपेसिटर के कैसे वर्क करती है। तो आइए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, फिर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको चला कर दिखा रहा हूँ आपसे, ये बिल्कुल सही काम कर रही है। मैंने स्विच को ऑन कर दिया है, ये ऑफ पोजिशन में है। इसको जैसे ही फुल पे किया जाएगा ये सबसे तेज़ है, ये तेज़ चलने लगी, देखिए बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और इसको बीच वाले पे किया जाएगा तो थोड़ा मीडियम हो जाएगा, और सबसे नीचे कर दिया जाएगा यानी इस पर, तो ये स्लो हो जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल स्लो होने लगे और ये बिल्कुल फास्ट। तो आइए अब इसको जानते हैं कि ये कैसे स्लो फास्ट और मीडियम हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि इसका रेगुलेटर कनेक्शन कैसे किया जाए, ये कैसे स्लो फास्ट होता है। कोई कोई बता रहे थे कि इसके अंदर की वायर टूट गई है तो इसको कैसे जोड़ें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से हमें मनोबल मिलता है और आप तक ये वीडियो पहुंचाने में हमें काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो सर्विस के बदले में ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आगे भी आपके पास ऐसे वीडियो लगातार भेजता रहूं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसके निचली भाग यानी पेदी को खोलते हैं, देखते हैं फिर इसमें क्या है। सबसे पहले इसको सप्लाई से हम बाहर निकालेंगे। इसमें तीन स्क्रू लगे रहते हैं दोस्तों, ये तीन स्क्रू लगे तो रहते हैं बहुत सारे स्क्रू, लेकिन इस स्क्रू को नहीं खोलना है, किनारे के तीन स्क्रू को इसको ओपन करना है। तो ये फटाफट ओपन करते हैं दोस्तों। ये पंखा जहाँ भी है बहुत अच्छा चलता होगा और बहुत कम जलता है, इसमें जलने का चांस नहीं रहता है। इसमें मात्र चार कॉयल होता है दोस्तों अंदर इसके। ये वाट थोड़ा ज़्यादा होता है दोस्तों इसका, इस फैन का वाट लमसम 100 वाट होता है। तो देखिए दोस्तों इसको मैंने ओपन कर दिया है। तो दोस्तों ये मेन लीड है ये, जिसमें गांठ लगी हुई है, और ये जो दो वायर निकले हुए हैं ये है मोटर से, बाइंडिंग से दो वायर इसमें आ रहे हैं बाहर। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। इसको सफाई करने के लिए ब्रश या ब्लोअर किसी भी चीज़ से आप साफ़ कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्लोअर से सफाई कर दे रहा हूँ, ताकि इसमें का जो भी धूल है वो अलग हो जाए। तो दोस्तों ब्लोअर से सफाई हो गया। अगर आपके पास ब्लोअर ना हो तो ऐसे ब्रश से भी ऐसे सफाई कर सकते हैं अंदर से इसको। ये जो दो वायर निकली हुई है वो मोटर से निकलती है, इसमें रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं होता है, केवल रनिंग वाइंडिंग ही होता है। और उसी रनिंग वाइंडिंग से दो वायर निकलते हैं जो सीधे पैनल में आते हैं यहाँ पर कनेक्शन के थ्रू। और इसमें ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर रेगुलेट के काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। ये साधारण सी ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है, बिल्कुल साधारण सी। आइए इसका पहले मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि इसकी वाइंडिंग कैसे हुई रहती है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं इस ट्रांसफार्मर से तीन वायर निकली हुई है, इसको अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूँ आपसे, अब साफ दिखाई दे रहा होगा। ये दोस्तों इस ट्रांसफार्मर से तीन वायर निकली हुई है, यही ये तीनों वायर है, एक ये है और एक ये है और एक ये है दोस्तों। ये 100-100 टर्न पर निकली रहती है, ये 100 टर्न कॉपर बाइंडिंग से, इसमें 32 नंबर के वायर से 100 टर्न एक लीड के पास, जहाँ यहाँ से शुरू किया जाता है, यहाँ से मान लीजिए शुरू करते हैं हम, इसमें 100 टर्न बाद से दूसरा लीड निकल गया, ये दूसरा लीड है जो बीच वाले कनेक्टर में जोड़ी गई है, और फिर यहाँ से 100 टर्न के बाद से ये लीड निकल जाती है, ये तीसरी लीड है जो सबसे लास्ट वाले में जुड़ी हुई है। यही बाइंडिंग है इसका दोस्तों, 100-100 टर्न का बाइंडिंग होता है इसमें, बहुत छोटी सी बाइंडिंग होता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जैसे मान लीजिए ये आपका ये मोटर है, मोटर से दो वायर निकलती है जैसे ये निकली हुई है। तो सबसे पहले दो वायर मोटर से जो निकलती है तो इसमें एक लाइन वाला होता है दोस्तों और एक न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल है और ये लाइन है। तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट इसमें चला आता है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये देखिए दोस्तों ये जो काला कलर का जो वायर आया हुआ है, जो मेन लीड है ये लीड, ये काला कलर का वायर डायरेक्ट मोटर के वायर में जा रहा है, ये न्यूट्रल में, ये डायरेक्ट सीधे चला जा रहा है बाइंडिंग में, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ये न्यूट्रल वायर डायरेक्ट मोटर में चला आ जा रहा है यहाँ से डायरेक्ट,
अब रहा लाइन वाली वायर, लाल वाली वायर है ये बिजली, ये सप्लाई की वायर है, ये जाएगी इस टर्मिनल में, जो ये टर्मिनल आप देख रहे हैं इसमें जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको बना दे रहा हूँ इस टाइप का टर्मिनल एक, जो ऐसे है, इसमें आती है, इस टर्मिनल में आकर टाइट हो जाती है दोस्तों। ये टर्मिनल अभी बीच वाले से शॉर्ट कर रही है, इसका काम है इस टर्मिनल को यहाँ भी शॉर्ट कर देना, इसका काम है इसको यहाँ भी शॉर्ट कर देना, और इसका काम है इसको बीच में भी शॉर्ट कर देना। जहाँ इसको घुमाया जाएगा, इसको नीचे घुमाया जाएगा तो नीचे बीच में आएगा, और दाएं घुमाया जाएगा दाएं आएगा, और बाएं घुमाया जाएगा तो बाएं आएगा। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नट नहीं है यहाँ पे, ये इस तीन नट के अलावा यहाँ पे कोई नट नहीं है। तो यहाँ पे करने से ये जीरो हो जाएगा, यानी पंखा बंद हो जाती है। तो देखिए, आइए बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। ये जो कनेक्शन है मोटर से, दूसरी वाली कनेक्शन जो निकली हुई है, ये कनेक्शन, ये सीधे आ रहा है यहाँ पे, ये लाल कलर का वायर दिख रहा है, ये मोटर की कनेक्शन है, ये सीधे इस टर्मिनल में, पहला टर्मिनल में आ रहा है, यानी पहला टर्मिनल इसका, ये इसको मान के चलते हैं, इसको भी हम पहला मान सकते हैं और इसको भी पहला मान सकते हैं। तो फिलहाल में मैं आपको समझाने के अनुसार इसको पहला मान रहा हूँ। इस मोटर का एक वायर इस टर्मिनल में आ गया है, और मान के चलिए कि ये आपका स्विच जीरो पे है, अभी जीरो यानी यहाँ ये स्विच आपका जीरो पे है। तो जीरो पे है तो फैन आपका बिल्कुल नहीं चलेगी। जैसे स्विच को आप ऐसे नीचे करेंगे, ऐसे करेंगे, यानी ये वाले कनेक्टर को आप वैसे इसमें आएगा यहाँ, तो यहाँ आने का मतलब हुआ ये डायरेक्ट यहाँ आएगा, और ये इसको हटा दे रहे हैं, ये लाइन जो यहाँ मिल रही है आपको वो सीधे इसमें मोटर में मिलने लगेगी। देखिए इसके थ्रू, ये स्विच के थ्रू ये लाइन यहाँ मिलने लगेगी मोटर में, तो मोटर सबसे स्पीड में चलने लगेगी। अब इसको यहाँ से हम यहाँ उठाते हैं, जैसे इसको बीच में करते हैं, ऐसे करते हैं बीच में, बीच वाले टर्मिनल में, यानी इसको हम यहाँ करते हैं तो ये कट जाएगा, और जब यहाँ करेगा तो ये लाइन यहाँ पहुँचेगा, और ये जब लाइन यहाँ पहुँचेगा तो ये 100 टर्न से होकर, ये 100 टर्न जो यहाँ बंधे हुए हैं, 100 टर्न से होकर इस मोटर में सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी इसी वायर के थ्रू। तो जब 100 टर्न से सप्लाई यहाँ मिलेगी तो ये 100 टर्न का रेजिस्टेंस बनेगा, तो पंखा थोड़ा सा स्लो चलेगी। अब ये यहाँ से हटा कर अगर इसको यहाँ दे दिया जाता है यहाँ, तो ये जो बिजली की सप्लाई यहाँ मिल रही है इसको यहाँ आने लगेगी ये, और जब यहाँ आएगी तो 100 टर्न ये और 100 टर्न ये, यानी 200 टर्न से होकर यहाँ मोटर के पास सप्लाई आती है। तो इसका रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, मतलब यहाँ यहाँ की अपेक्षा इसका यहाँ से डबल हो जाता है। तो डबल हो जाने का मतलब हुआ कि पंखा को और स्लो कर देगा, तो दोस्तों ये पंखा और स्लो हो जाता है। इसी सिस्टम के अनुसार ये स्लो और मीडियम और फास्ट होता है दोस्तों। यहाँ पे सिंगल वायर निकला हुआ जैसे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको मैं पेपर से दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं ट्रांसफार्मर से वायर टूट गया है तो इसको कैसे ज्वाइंट करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरुआत हुआ है तो यहाँ सिंगल वायर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वायर जो ट्रांसफार्मर से निकल रही है, सिंगल लेयर है, 32 नंबर का वायर है। अब इसमें डबल होगा, यहाँ से जब निकालेंगे इसको, देखिए दोस्तों यहाँ पर डबल है, दो तार एक साथ है, मोटा दिख रहा है, ये दो तार है, यानी यहाँ ये वाला कनेक्शन है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये वाला, ये है, इसमें डबल कनेक्शन है, और फिर यहाँ पे सिंगल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सिंगल है दोस्तों, ये सेम ऐसे ही यहाँ पे सिंगल रहेगा, मतलब डबल बीच ही में रहेगा, यहाँ पे ये दोनों सिंगल सिंगल रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये सिनी फैन बिल्कुल काम करता है। अगर ये ट्रांसफार्मर कहीं से भी ये ब्रेक हो जाए, एक वायर टूट जाए, तो ट्रांसफार्मर के तीनों लीड बताएगा नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए सीरीज टेस्टिंग लैंप से सबसे सही उपाय है दोस्तों, कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है कि नहीं। इसके लिए इस स्विच को आप जीरो पर कीजिए, यानी ऑफ पर कीजिए, और अपने हाथ में टेस्टिंग सीरीज लैंप लीजिए, और फिर इसको टेस्टिंग सीरीज लैंप से यहाँ पे तीनों पर चेक करेंगे तो इसका कंटिन्यूटी हमको मिल जाएगा कि हमारा 100 टर्न जो भी है वो सही है। अगर कहीं से भी जली हुई है या ब्रेक है ट्रांसफार्मर, तो हमारा टेस्टिंग सीरीज लैंप बताएगा नहीं। तो आइए इसको चेक करते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ और यहाँ पे सटाया हूँ तो ये दोनों बता रहे हैं, यानी 200 टर्न काम कर रहा है, और यहाँ पे सटा रहा हूँ तो 100 टर्न काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमारा तीनों ये बता रहा है तो हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। ट्रांसफार्मर चेक करने का तरीका है दोस्तों, ये रेगुलेटर ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इसको रेगुलेटर ट्रांसफार्मर करते हैं। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि ये वायर या ये वायर, ये दोनों में से कोई एक टूट जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है, तो इस पोजीशन में जैसे तीन नंबर वाला वायर अगर टूट गया तो सबसे स्लो पर काम ये नहीं करेगा, लेकिन मीडियम और फास्ट पर काम करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि ये कनेक्टर आप ऐसे घुमा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, तो ये कनेक्टर बढ़िया तरीका से इस तीनों टर्मिनल में शॉर्ट नहीं करता है, तीनों नट में, तो पंखा बिल्कुल नहीं चलता है। तो इस पोजीशन में आपको ये दो वायर
जो आपको मेन लीड से दिख रहा है, इस दोनों वायर को सीधे छोड़ाना है और पंखे के अंदर से जो दो वायर निकल रही है मोटर बाइंडिंग के साथ, इसमें दोनों वायर को दोनों कहीं भी उल्टा सीधा आप जोड़ देंगे अपने पंखे को डायरेक्ट चलाकर हवा ले सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है सोलो फास्ट करने से, इस दोनों वायर को इस दोनों वायर में किसी में भी जोड़कर डायरेक्ट करके टेप लगाकर अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। अब आती है कैपेसिटर की बारी कि बिना कैपेसिटर का ये चलता क्यों है। तो दोस्तों इसमें बिना कैपेसिटर का चलने का कारण ये होता है कि इसमें केवल रनिंग बाइंडिंग होता है जो रन करता रहता है, और दिशा रोटेट करने के लिए, जैसे कैपेसिटर दिशा को रोटेट करने के लिए लगाया जाता है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों इसमें इसके मोटर के अंदर एक पत्ती लगी रहती है, स्टेटर के बीच में रहती है, स्लॉट के बीच में रहती है, पत्ती रहती है एल्युमिनियम पत्ती जो इसमें लगी रहती है, और उस एल्युमिनियम के पत्ती के थ्रू इसका दिशा रोटेट हो जाता है। जब एक बार दिशा इसका रोटेट हो जाता है तो रनिंग बाइंडिंग के कॉयल के थ्रू ये बिल्कुल तेजी के साथ घूमने लगता है। इसी यही कारण है कि कैपेसिटर इसमें नहीं लगते हैं, कैपेसिटर के बदले में एल्युमिनियम पत्ती अंदर लगी हुई है। दोस्तों ये रहा रेगुलेटर कैसे काम करता है सीनी पंखे का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साइड का भी बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि मैं इसी टाइप के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।